In this video, we are going to study about the cathartics. Whenever we will hear about the term cathartic, हमें ये ध्यान आना चाहिए the condition of constipation. हम सबको पता है कि जो भी हम food लेते हैं वो ultimately हम उसके जो nutrients होते हैं वो हमारी body में absorb हो जाते हैं और उसके बाद जो उसमें extra waste material होता है वो in the form of feces हमारी body से eject out हो जाता है, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन arises. तो उसे ओवरकम करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं दे आर टर्म्ड एज कैथार्टिक्स, ठीक है? सो कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव्स एंड पर्गेटिव्स, ये तीनों सेम वर्क करते हैं हमारी बॉडी में बट विद डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है? सो दीज आर द टर्म्स डिस्क्राइबिंग ड्रग्स दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है? मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन में जो रफ एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है जो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट होना है उसको प्रमोट करते हैं हमारे कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव्स एंड पर्गेटिव्स, ठीक है? सो कैथार्टिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, द टर्म लैक्सेटिव इज यूज्ड फॉर द मिडिल, फॉर द माइल्ड कैथार्टिक, वेयर एज पर्गेटिव इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक. तो अभी जो हमारा कैथार्टिक, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर रहा है, ठीक है? अब जो लैक्सेटिव टर्म है वो हमारे लिए थोड़ा कम लेवल का माइल्ड कैथार्टिक की तरह वर्क करता है और जो पर्गेटिव है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक की तरह वर्क करता है, ठीक है? सो कैथार्टिक इज अ सब्सटेंस दैट एसिलरेट्स डिफिकेशन व्हाइल लैक्सेटिव्स आर दोज विच ईज द डिफिकेशन. तो अब हमारे पास जो डिफरेंस हमें समझना है, हमारा काम सेम हो रहा है, हमारा डिफिकेशन हो रहा है दोनों में, ठीक है? बट जो हमारे कैथार्टिक्स हैं वो एसिलरेट कर रहे हैं डिफिकेशन और जो लैक्सेटिव्स हैं वो ईज कर रहे हैं द डिफिकेशन बाय यूजली सॉफ्टनिंग द फीसेस. मतलब वो जो हमारे जो फीसेस की कंसिस्टेंसी है उसको सॉफ्टन करके डिफिकेशन ईजी कर रहे हैं, ठीक है? सो दीज आर बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन एंड फॉर एक्सपल्जन ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स. जब हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अकर होती है और कभी कभी क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में हम सब ने सुना है पैरासाइट, हम बोलते हैं पेट में कीड़ा हो गया किसी के, सो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको ओवरकम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं हमारे कैथार्टिक्स. ऑल ऑफ द थ्री एक्ट बाय रिटेनिंग फ्लूइड इन बोल, दीज मे बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल और बाय रेक्टल रूट. अब ये जो हमारे कैथार्टिक्स हैं हम सब ने अनीमा सुना होगा. अनीमा हम क्या करते हैं, हम हमारे रेक्टम में इंसर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन होती है वो ओवरकम हो जाती है. तो ये हम ओरली भी दे सकते हैं ड्रग्स और इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द रेक्टल रूट, ठीक है? अब ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने कैथार्टिक्स को डिवाइड करा है इनटू द स्टिमुलेंट, द बल्क पर्गेटिव्स, द सलाइन पर्गेटिव, द ल्यूब्रिकेंट्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है? अब जो हमारे स्टिमुलेंट हैं, दीज आर द ड्रग्स विच एक्ट बाय द लोकल इरिटेशन और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ब्रिंग एब्सोल्यूट स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको एनहेंस करेगा और जो हमारी लोकल इरिटेशन है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसको स्टॉप करेगा. फॉर एग्जाम्पल सेना एंड कैस्करा, ये सेना, ये हमारे प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं उनसे हमें ऑब्टेन होगा ये वाला ड्रग, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव द बल्क पर्गेटिव, दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट. ये क्या करेंगे, जो हमारा फीकल मटेरियल है उसका बल्क इंक्रीज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल सेलुलोज एंड इसबगोल. नेक्स्ट वी हैव द लुब्रिकेंट्स, दीज आर द ड्रग्स विच कॉज लुब्रिकेशन ऑफ फीसेस एंड दे कॉज स्मूथ क्लियरेंस ऑफ फीकल मैटर, दे आर ऑल्सो नोन एज इमोलियंट्स. ये क्या कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टनिंग कर रहे हैं. लुब्रिकेंट वर्ड सुन के हमें याद आ रहा होगा लुब्रिकेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी को चेंज करके सॉफ्टन करना. फॉर एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन. नेक्स्ट वी हैव द सलाइन कैथार्टिक्स विच आर ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स. दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड देयरफॉर स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस. ये क्या कर रहे हैं, हमारा ऑस्मोटिक लोड जो है इंटेस्टाइन में उसको बढ़ा रहे हैं. कैसे, बाय अब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड देयरफॉर दे स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस. कैटायंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अनायंस लाइक फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, दे आर पुअरली अब्जॉर्ब्ड and contribute to this effect. ठीक है, the saline cathartics are taken with plenty of water, they are further classified. अब हमारे जो ये saline cathartics हैं इसको हम water के साथ लेते हैं और हमने इन्हें further divide करा है into sodium containing products like sodium phosphate, sodium biphosphate, फिर magnesium containing product जिसमें हमारा magnesium hydroxide है and magnesium sulfate है, and next are the sulfur containing जिसमें है सल्फर कंटेनिंग जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे, और अदर्स में जैसे कि हमारा सोडियम सल्फेट आ गया या फिर कैलोमेल आ गया,
ये तो इस तरह के जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं वो हमने अदर कैटेगरी में रखा है उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है अबाउट द कैथार्टिक्स। अब एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा, अब डिपेंड करता है कि अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन कैथार्टिक्स, ठीक है, तो अगर डिपेंड करता है, अब आपसे अगर 10 मार्क्स में पूछा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करेंगे, और अगर 5 मार्क्स में पूछा तो फिर आप कैथार्टिक्स एक्सप्लेन करके कोई एक ड्रग एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा गया है कि इसी ड्रग के बारे में एक्सप्लेन करिए तो हम उस पर्टिकुलर ड्रग को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना रहेगा अपने क्वेश्चंस, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन से ड्रग्स हैं, ताकि अगर हमें नहीं गिवन हो पर्टिकुलरली तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग आंसर कर पाएँ, ठीक है। तो अब ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन टू कैथार्टिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक।